हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये कैलेंचू या कैलंकोई के लास्ट ईयर के घर मेरे जो फ्लावर्स खिले थे उनकी पिक दिखा रही हूँ मैं। आगे इस वीडियो में मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने कटिंग से कैसे इनके प्लांट को इस सीज़न में लगाया है, और उसके आगे चल के मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसको मैंने फंगिसाइड डाल के फंगल ट्रीटमेंट किया है और फर्टिलाइज कैसे किया है, ताकि ऐसी प्लांट में भरे भरे फ्लावर्स आएँ और बहुत ही इंटेंस फ्लावरिंग हो। ताकि चलिए देखते हैं कि क्या क्या किया है। इनकी सबकी इतनी छोटी छोटी कटिंग करके अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले ये मॉइस्ट सॉइल थोड़ी सी, और बहुत ही वेल ड्रेन्ड है। ये रूटिंग हार्मोन है रूटेक्स, और इसमें मैं हम लोग ने लगाया ये, और इससे इसमें होल करके, और ये पूरा भरा रहना चाहिए। जब ये भरा रहेगा तब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। टीस्पून फंगीसाइड इतने पानी में करीब एक डेढ़ सवा लीटर होगा इसमें मिक्स करूंगी। ये सिस्टमिक फंगीसाइड है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें सब में डालूंगी वन बाय वन। ये देखिए, ये फंगल अटैक के लिए है। सब पौधों में डालूंगी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग बाकी मैं डाल दूंगी, देखते हैं कि हम लोग फर्टिलाइज कैसे करते हैं। अब एक वीक बाद मैं इसमें अब एक फर्टिलाइजर डालूंगी। ये फर्टिलाइजर है वो, और ज्यादा नहीं, वन टीस्पून। और ये क्या है, ये नीम खली है। नीम खली क्या होता है, नीम की पत्ते हैं, नीम के प्लांट्स होता है, उसके पत्ते हैं कंपोस्टेड एकदम। ये बहुत ही बढ़िया एंटी फंगल भी होता है, पेस्टिसाइड जैसा भी काम करता है ये। इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा एकदम, ये बहुत बड़ा कंटेनर है मेरा। ये कंटेनर को सब में डालूंगी। आप स्पून से डालिए, स्पून से आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, और ये जो छोटे छोटे कंटेनर है इसमें तो हाफ हाफ टीस्पून ही बहुत रहेगा। थोड़ा पानी, क्योंकि आज हम लोग ने इसमें फर्टिलाइज किया है इसको, इसको इसमें भी डाल देती हूँ। बस अब सब में डाल दूंगी ऐसे ही करके, और ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइजर है, तो इसमें खूब फ्लावरिंग होगी। अगर आपको ये देसी कैलेंचू, इसको आप यूज कर सकते हैं नीम खली को अपने हाइब्रिड वैरायटी में भी, दोनों में ये बहुत ही बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो कैसे मैं फर्टिलाइज करती हूँ, कैसे कब फंगिसाइड डालते हैं ताकि इसमें बहुत सारे ब्लूम्स हों और आपका घर एकदम फूलों से भर जाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।